हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदिनी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक प्रोडक्ट रिव्यू, जो है ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ से ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी बताऊँगी वो ऑनेस्ट होगा। मैंने इस प्रोडक्ट को अपने खुद के पैसों से परचेज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के पास में जो छोटा सा बेल बटन है उसको ज़रूर हिट कर देना, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक कर देना। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं अपनी खुद की ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं इसके पैकेजिंग में। पैकेजिंग में ये ऐसा है, पहले ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है और उसके अंदर है ये ट्यूब, इसमें प्रोडक्ट है, और इस चीज़ का कैप भी अच्छा है। ऐसे ओपन होता है और ऐसे क्लोज होता है। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, क्योंकि ये बैग में रखने से ओपन नहीं हो जाता है, अच्छा है, स्टडी सा है। और आप लोगों को 80 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है, और इसका जो प्राइस है वो है 299 rupees। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था और ये मुझे 230 rupees में मिल गया था। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी, अगर आप लोग परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो आते हैं इसके इंग्रेडिएंट और क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि ये हमारी स्किन की टेक्सचर और अपीयरेंस को भी एनहांस करता है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और सबसे जो अच्छी बात है वो है ये हमारी स्किन की जो एक्सेस ऑयल है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, और ये ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, ये देखिए। और इसके अंदर पैराबेन और सिलिकॉन नहीं है, और ये नॉन ग्रीसी और लाइट वेट है, और ये नॉन कॉमेटोजेनिक भी है। नॉन कॉमेटोजेनिक का मतलब होता है कि हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं और उसके अंदर डर्ट पॉल्यूशन ये सब जाता है और स्किन क्लॉक हो जाता है, ये वो नहीं होने देता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसको हम लोग डे टाइम और नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई नाइट क्रीम अलग से नहीं यूज़ करना चाहते तो ये आप लोग नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, और मेकअप के अंदर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब ये क्रीम क्लेम करता है। तो मैंने इसको 1 मंथ तक यूज़ किया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। मुझ पर ये अच्छे से वर्क किया, भी बुरा रिएक्शन नहीं हुआ है, अलग से कोई पिंपल भी नहीं आए हैं। जैसे मेरा स्किन था वैसे ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे दिखा नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को एक डिसेंट सा मॉइस्चराइज़र चाहिए तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन इसमें अमेजिंग सा कुछ भी नहीं है। विंटर का सीज़न है तो मुझे लग रहा था कि अगर आप लोग थोड़ा सा अमाउंट लोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर समर के सीज़न में आप लोग इसको यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। विंटर में भी कर सकते हो, लेकिन अमाउंट ज़्यादा लगेगा। तो मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये ओके लगा, क्योंकि बहुत अच्छा अमाउंट भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है और इसका प्राइस भी बहुत कम भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट होगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते